मैंने आपको 3 भागों में पाठ लाख की चूड़ियां बदलू वाला जो पाठ था वो पढ़ाया है। तो सबसे पहले आप उसके शब्दार्थ लिखेंगे, मैंने आपको शब्दार्थ में समझा चुकी हूँ, तो एक बार और समझ लेते हैं हम शब्दार्थ। चाव, चाव मीन्स होता है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई या धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, कोमल, पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना। अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पे। पहला प्रश्न है हमारा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की चूड़ियां, रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू 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 को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न दो, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए जाते से वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा मीन्स होता है पैसा। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इस पैतृक काम धंधों से ही चलता है। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां इनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। कचोटती मतलब उसका मन दुखता था। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। वह व्यथा लेखक से छिपी न रह सके। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं, अब वह बीमार रहने लगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। धन्यवाद।